नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। तहलका टुडे में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। सऊदी युवराज बिन सलमान को मारी गई गोली, सऊदी अरब ने मचा हड़कंप, देखें ये रिपोर्ट। कुछ अरब मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि 21 अप्रैल को आले साउद के शाही महल पर होने वाली गोलीबारी में युवराज मोहम्मद बिन सलमान को कम से कम 2 गोलियां लगी हैं, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज इसराइल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाज में स्थित आले साउद का शाही महल दुनिया भर के लोग और मीडिया की नज़रों का केंद्र बना हुआ है। गुरुवार को कुछ अरब मीडिया रिपोर्ट ने तो पूरे सऊदी अरब को ही हिलाकर रख दिया। खबरों के मुताबिक 21 अप्रैल को आले साउद के शाही महल में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलीबारी में सऊदी शासन के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को 2 गोलियां लगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले येदियुरप्पा, हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल, साबित करेंगे बहुमत, देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वह शनिवार को सदन में विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे और उनके पास पर्याप्त संख्या में बल है। येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र ने कहा कि विश्वास मत जीतने को लेकर हमें 100% विश्वास है, हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है। कर्नाटक में मौजूद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश ने बहुमत साबित करने के लिए आश्वस्त जताई। हम आपको बता दें कि कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला के बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्योता देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस पर आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर येदियुरप्पा को सदन में बहुमत साबित करने को कहा है। लखनऊ के ग्लोबल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदकर बचाई अपनी जान, देखें ये रिपोर्ट। निराला नगर स्थित ग्लोबल मेडिकेयर हॉस्पिटल के दूसरे तल पर शुक्रवार सुबह एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में मरीजों के बीच भगदड़ शुरू हो गई, कोई लिफ्ट से तो कोई सीढ़ियों से कई तरफ भागने लगे। जिन मरीजों को लिफ्ट व सीढ़ियों से भागने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर छत से छलांग लगा दी। इस दौरान एक की हालत गंभीर है तो कुछ हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। जान बचाने के लिए छत से छलांग उन्होंने लगा ली। SSI संदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि आग लगने के दौरान अस्पताल के भीतर अपने ताऊ की तीमारदारी में लगी दो बहनें वैष्णवी व रागनी भी छत से कूद पड़ी। वैष्णवी की पीठ पर गंभीर चोट आई है जबकि रागनी के हाथ में थोड़ी चोट लगी है। इसके अलावा तकरीबन आधा दर्जन लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। हमारे चैनल को धन्यवाद।